हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज की संरचना। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बस बोर्ड पे फोकस रखना, नोटबुक पेन साथ लेके बैठना, जो बोल रहा हूँ लिखवाऊंगा वो सब नोट करते रहना। तो शुरू करो फिर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आता भैया पेपर में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ने से पहले हम इस ग्लूकोज के बारे में जान लेते हैं कि यार ये ग्लूकोज रियलिटी में होती क्या चीज़ है। तो ध्यान देना, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड होता है, आराम से याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड होता है, हर एक चीज टूटकर ग्लूकोज में चेंज होना पसंद करती है। सोच लो जरा, आप जितना भी आप खाना पीना खाते हो ना, आप भैया चाउमीन मोमो बर्गर जितना भी होता है, सब पेट में जाके सब ग्लूकोज में टूट जाते हैं, और यही हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। यार इतना तो बढ़ते हैं आपको थोड़ा थोड़ा। देखो इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ध्यान देना बेटे, इसका नॉर्मल फॉर्मूला ठीक से देखना, इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है। इसका नॉर्मल फॉर्मूला भैया होता है C6H12 और O6 होता है, ठीक है, याद कर लो ठीक से। होता है यही फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी होता है, यही फॉर्मूला गैलेक्टोज का भी होता है, लेकिन बहुत बड़े अंतर होते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं सिर्फ ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, क्या है बेटे, ग्लूकोज का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास ये आता है कि ये होता क्या है, ये है मोनोसेकेराइड होता है। क्या होता है, मोनोसेकेराइड होता है, ध्यान देना, मोनोसेकेराइड्स होता है, ओके, ये मोनोसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड होता है, ओके 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 ओके। मेन ग्रुप कौन सा पाया जाता है, देखो इसमें कीटोन ग्रुप होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और तीन जो होते हैं ना वो हाई, पांच जो होते हैं, पांच वो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, है ना। लेकिन एक शर्त आती है कि यह मोनोसेकेराइड होता है, इसमें मेन ग्रुप जो होता है ना वो एल्डिहाइड होता है, अधिकांश रिएक्शन ये एल्डिहाइड ग्रुप की करता है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि भैया इसमें क्या होता है, इसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है, ध्यान देना, इसमें एक एल्डिहाइड, ठीक है, इसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है, ओके, इसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है, और एल्डिहाइड समूह होने की वजह से इसका नाम दिया गया है एल्डिहेक्सोस, ठीक है, इसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है, जिस कारण इसे हम क्या कहते हैं, जिस कारण इसे एल्डिहेक्सोस कहते हैं, ध्यान देना बेटे, एल्डिहेक्सोस कहते हैं, एल्डिहेक्सोस कहते हैं, ओके हो जाएगा यार, कहते हैं। अच्छा, ग्लूकोज की मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो ग्लूकोज की सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो पके फलों में पाई जाती है, इसलिए तो बोलते हैं कि भाई पके फलों का सेवन करो। जब कोई मरीज होता है ना, जब कोई मरीज बीमार, यानी कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए फ्रूट लेके जाते हैं, जब भी मिलने आते हैं तो कुछ ना कुछ फ्रूट यानी कि फल वगैरह लेके जाते हैं, ताकि जो है वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो भाई ये जो ग्लूकोज होता है पके फलों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलो साहब लिख दो कि ग्लूकोज जो होता है भैया पके फलों में ग्लूकोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है, पके फलों में, ठीक है, पके फलों में ग्लूकोज की मात्रा, ठीक है सर, ग्लूकोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है सर। चलो भाई हमने भी मान लिया कि पके फलों में ग्लूकोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अच्छा, फिशर ने ग्लूकोज का एक दूसरा रूप दिया, और ध्यान देना अधिकांश पके फलों में डी ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राइट, राइट मतलब दाएं हाथ की ओर, उसे बोलते हैं डी ग्लूकोज, और एक होता है लेफ्ट मतलब आपके बाएं हाथ की ओर, उसको बोलते हैं हम एल ग्लूकोज। तो अगर मैं यहां से चलूंगा इस पॉइंट पे तो वो हमारा डी ग्लूकोज होगा, अगर मैं इस पॉइंट से चलूंगा इधर को तो वो मेरे पास एल ग्लूकोज होगा, तो डी ग्लूकोज, और एक होता है मेरे पास एल ग्लूकोज, यानी कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। लेकिन पके फलों में डी ग्लूकोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए यार कोई पूछेगा भाई पके फलों में कौन सा ग्लूकोज पाया जाता है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे यार डी ग्लूकोज पाया जाता है, और मैं भी सबका सब डी ग्लूकोज पिलाऊंगा। फिशर ने एक छोटी सी संरचना दी, इसको ग्लूकोज को खोल दिया, बोला यार ग्लूकोज को आप कुछ इस तरह से खोल सकते हो, थोड़ा लाइन पर ज़्यादा ध्यान देना, ग्लूकोज को आप कुछ इस तरह से खोल सकते हो, ये मैं दो स्टेप लूंगा, CHO, ठीक है, CHOH का होल फोर, ठीक है, CH2OH, CH2OH, CHO, CHOH का होल फोर और CH2OH। अब देखो चार OH समूह ये हैं, एक OH समूह ये है, तो चार और एक पांच, पांच OH
चार ओएस समूह ही है और एक ओएस समूह ही है, तो चार और एक पांच ओएस समूह हो गए और एक क्या हो गया मेरे पास एल्डिहाइड समूह हो गया। या थोड़ा सा मैं इसको और खोल के दिखाऊं आपको, तो कुछ इस टाइप से खुलेगा, ये सी एच ओ सी ओ एच इधर होगा ठीक है, और एच मेरे पास तीसरे कार्बन पे जो ओ एच होता है ना बेटे वो इस साइड में होता है ये वाला ठीक है, और बाकी मेरे पास सी ओ एच ठीक है सर एच कर दो, फिर सी ओ एच ठीक है सर एच कर दो, और लास्ट में मेरे पास सी एच टू ओ एच, कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए ये मिल जाएगा। आप चाहते हो ना तो कार्बन भी यहाँ से हाइड कर सकते हो, या आप ये लिख सकते हो ठीक है, या आप ये लिख सकते हो, या आप ये बना सकते हो, मर्जी है आपकी भाई ठीक है। यहाँ से मैं ना कार्बन हाइड कर दूंगा, कुछ इस टाइप से मैं कार्बन हाइड करूंगा, कितने हो गए मेरे पास कार्बन, एक तो मेरे पास ग्रुप सी एच ओ रहेगा, इधर मेरे पास एच ओ एच, इधर मेरे पास एच फिर ओ एच, इधर ओ एच ठीक है सर, फिर इधर भी ओ एच, इधर मेरे पास एच, इधर मेरे पास एच, और इधर मेरे पास सी एच टू ओ एच ठीक है। तो ये कौन सा ग्लूकोज बनाया मैंने बेटे, डी ग्लूकोज बनाया। ध्यान देना, पके फलों में ग्लूकोज की मात्रा यानी कि डी ग्लूकोज सर्वाधिक पाया जाता, तो ये बनाया मैंने डी ग्लूकोज, ध्यान देना बड़ा जरूरी है आपके लिए। तो इस टाइप से ये डी ग्लूकोज बन जाता। हाँ, इसमें जो है मेरे पास देखो पहला कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो थर्ड कार्बन पे मेरे पास जो एच होता है ना वो इधर होता है, और जो मेरे पास ओ एच है वो इधर होता है ठीक है। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, तो आप काउंट काउंट कार्बन की नंबरिंग कर सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव और एक सिक्स ठीक है, छह कार्बन हो गए, 12 एच हो गए, और ऑक्सीजन हमारे पास छह हो गए। तो ये छोटी सी संरचना यार जो आप कितनी इजी है बना सकते हो, अभी संरचना नहीं हुई है ये, तो सिर्फ बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि ऐसे ग्लूकोज बनता है ठीक है। ग्लूकोज की बात करते हैं हम संरचना की ठीक है, ग्लूकोज के संरचना की बात कर लेते हैं, क्या ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर संभव है, अगर है तो कैसे बनेगी, क्या ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर संभव है, अगर है तो कैसे बनेगी, या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर संभव है या रिंग स्ट्रक्चर संभव है, ये सब आप कवर करने वाले हैं। तो जरा डाल देता हूं मैं हेडिंग, ग्लूकोज की किसकी बेटे, ग्लूकोज की ठीक है, ग्लूकोज की संरचना ठीक है, ग्लूकोज की संरचना ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले डिस्कस करूंगा मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर पे, पहला नंबर है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ठीक है सर, चलो ओपन चेन स्ट्रक्चर ओके, आप डिस्कस करें ओपन चेन स्ट्रक्चर पे। देखो सन 1870 में बायर ने, सन 1870 में ठीक है, ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया, और ये जो संरचना बायर ने दी उस संरचना से बहुत सारी अभिक्रियाओं को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो फेल हो गई। बोले यार ग्लूकोज की कोई ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होती है, सिर्फ होती है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर होती है। देखते हैं कैसे करके, देखो मैं सन भी लिखवा रहा हूँ, ध्यान देना, जरूरी नहीं आप लिख के आओ, छोड़ सकते हो, सन 1870 में ठीक है, सन 1870 में बायर ने, किसने बेटे, बायर ने किसकी, ग्लूकोज की, ध्यान देना, सन 1870 में बायर ने ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया, ओपन चेन स्ट्रक्चर का क्या किया बेटे, प्रतिपादन किया, ओके तो बोल दिया करो यार, तुम तो घबराओ। सन 1870 में बायर ने ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया, जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है, ओके सर, जो निम्नलिखित है आखिर कैसे है वो भी हम चेक कर लेते हैं, ओके ओके सर। पहला नंबर ले रहा हूँ मैं संरचना बना दो पहले ठीक है साहब। देखो मैं कुछ इसी टाइप के लूँगा, जिससे मेरे पास ये वाला जो ग्लूकोज है वो मैंने सी एच ओ ऐसे लिख दिया ठीक है, बाकी सब में मैं इस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ एच और ओ एच ठीक है साहब, सी एच और मेरे पास ओ एच ठीक है साहब, फिर सी एच और मेरे पास क्या है ओ एच है ठीक है साहब, सी मेरे पास एच और मेरे पास कितना है ओ एच है ठीक है साहब, सी एच फिर एच और मेरे पास ये वाला ओ एच। कार्बन काउंट कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह कार्बन हो गए हमारे पास ठीक है। तो देखो इस संरचना के आधार पर हम बहुत सारी ऐसी रिएक्शन हुई जो ग्लूकोज करता तो है लेकिन इसके आधार पर आप स्पष्ट नहीं कर सकते, जैसे ग्लूकोज के म्यूटा रोटेशन को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। देखो इस संरचना के आधार पर ठीक है,
ग्लूकोज निम्नलिखित अभिक्रियाओं को स्पष्ट नहीं कर सका। अब वो कौन कौन सी रिएक्शन है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला नंबर आता है सिफ रिजेन का, नाम सुना है आपने? अरे सुना होगा यार, सिफ रिजेन यानी कि सिफ अभिकर्मक के रंग को नहीं उड़ाता, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया नहीं करता, म्यूटा रोटेशन शो करता है, मैथिल अल्कोहल ड्राई एस सी एल के साथ क्रिया करके ये मैथिल ग्लूकोसाइड बनाता है, यानी कि दो रूपों में अल्फा और बीटा मैथिल ग्लूकोसाइड बनाता है, और बहुत सारी अभिक्रियाओं को ये स्पष्ट नहीं कर सका। देखो मैं लिख रहा हूँ चीज को, समझ जाओगे। प्रतिपादन किया जो निम्नलिखित है, संरचना हमारे पास ये आ गई इसकी, ठीक है। देखो इस संरचना के आधार पर, इस संरचना के आधार पर, ठीक है बेटे, इस संरचना के आधार पर, ओके ओके, इस संरचना के आधार पर, ठीक है, ग्लूकोज निम्नलिखित अभिक्रियाओं को, यानी ग्लूकोज की निम्नलिखित इस संरचना के आधार पर निम्नलिखित अभिक्रियाओं को, कौन सी अभिक्रियाओं बेटे, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है सर, बताइए जरा हमें भी कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है भाई, पहली रिएक्शन मैं ले रहा हूं, ग्लूकोज सिर्फ रिजेंट यानी कि सिर्फ अभिकर्मक के रंग को नहीं उड़ाता है, यानी कि सिर्फ अभिकर्मक के साथ कोई रंग उत्पन्न नहीं करता। लाइन पे ध्यान देना, ग्लूकोज सिर्फ अभिकर्मक मतलब रिजेंट, ग्लूकोज सिर्फ रिजेंट के साथ कोई रंग उत्पन्न नहीं करता, कोई रंग उत्पन्न नहीं करता, लगा लो साहब, उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, अगर आप ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर देते हो तो भैया ये सिर्फ रिजेन के साथ कोई रंग उत्पन्न नहीं करेगा, मतलब सिर्फ रिजेन के साथ एल्डिहाइड समूह क्रिया करेगा नहीं। इसका मतलब है कि अगर एल्डिहाइड समूह इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के अनुसार लगा हुआ है तो ये जीरो बटा सन्नाटा, यानी कि इसकी कोई रिएक्शन नहीं है, इसकी कोई रिएक्शन नहीं है। अब अंदाजा लगा लो आप, यानी कि जीरो बटा सन्नाटा मतलब ये अस्थाई है, कोई क्रिया नहीं करेगा। चलो आगे देखते हैं चीज के बारे में भी। तो ये लिखा था मैंने पहला नंबर, ठीक है भाई, चलो सेकंड नंबर मैं लिखवाता हूँ इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट, इसे ना लिया होगा ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़ाते हैं अभी इसके बारे में थोड़ा सा। और देखो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या आता है, ध्यान देना, सेकंड नंबर मेरे पास आता है मतलब एल्डिहाइड समूह फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, मतलब अपने पास से ये कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल नील पड़ा ये सब कुछ इसकी वजह से, वरना एल्डिहाइड समूह सिर्फ रिजाइन का रंग ना उड़ाए, मतलब सिर्फ रिजाइन के साथ कोई रंग उत्पन्न ना करें, इम्पोसिबल, ये रंग उत्पन्न करते ही करता, लेकिन इसके साथ लगा पड़ा जिसकी वजह से यहाँ पे फेल हो गया एल्डिहाइड समूह। सेकेंड नंबर मेरे पास आता है देखो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, कोई क्रिया नहीं करता है, कोई क्रिया नहीं करता है, अंदाजा लगा लो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कोई क्रिया नहीं करता, जबकि एल्डिहाइड समूह योगात्मक उत्पाद देता है, जबकि यहां लगा पड़ा है नीले। ठीक है, थर्ड नंबर देखो जरा, म्यूटा रोटेशन शो करता है, ध्रुवण घूर्णन बोलते हैं इसको, म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन दर्शाता है, म्यूटा रोटेशन दर्शाता है, अंदाजा लगा लो क्या शो करता है बेटा, ये म्यूटा रोटेशन दर्शाता है, मतलब म्यूटा रोटेशन सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर कभी भी शो नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लूकोज होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में होता ही नहीं है, सोच लो जरा यार। अब तो फोर्थ नंबर मेरे पास एक और आता है, यानी कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है बेटे वो मैथिल क्लोराइड, ध्यान देना, नहीं मैथिल अल्कोहल तथा ड्राई एस सी एल शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, के साथ क्रिया करके, के साथ क्रिया करके दो आइसोमर, अच्छा दो आइसोमर कौन कौन से, अल्फा तथा बीटा, ठीक है, अल्फा तथा बीटा मैथिल ग्लाइकोसाइड बनाता है, ग्लाइकोसाइड बनाता है,
ठीक है लगा लो, यानी कि ये इन दो रिएक्शन से हमारा ये प्रूफ हो रहा है कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं होता। यानी कि ये वाली रिएक्शन और एक रिएक्शन ये वाली, इन दो रिएक्शन से ये प्रूफ हो रहा है कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर संभव नहीं है। अगर होती तो ये रिएक्शन देता, और इन दोनों रिएक्शन से ये शो हो रहा है कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, क्योंकि दो रूप हो गए, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। इसका मतलब है ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, अपने पास से कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ये चेन इस एल्डिहाइड समूह को बांधे हुए है। ठीक है, यानी कि मैं यहां लिखवा दे रहा हूं, अतः करके अतः एल्डिहाइड समूह, अतः एल्डिहाइड समूह जो होता है यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता। बस ये हो गई हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में। अब समझ में आया कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर संभव नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि भाई इन दो रिएक्शन से ये प्रूफ हो रहा है कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर संभव नहीं है, और इन दो रिएक्शन से ये प्रूफ हो रहा है कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर संभव है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर संभव है तो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी कैसे, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट एकदम, इसके बाद में इसको इरेज कर रहा हूँ, ले लिया होगा। ठीक है, चलो साहब देखते हैं फिर आगे, आगे कर लेते हैं, अब इसको पूरा पूरा कर दे रहा हूँ इसको मैं भैया, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। डर तो नहीं लग रहा भाई चीज से? ए भाई अबे डर तो नहीं लग रहा भाई, डाल दो हेडिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके सर, ठीक है, कहाँ से करें, यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि बड़ा टॉपिक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके सर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बेटे, चलो साहब बना दो। तो याद कर लेना, सन 1833 में टोलेन और टारनेट ने ग्लूकोज के म्यूटा रोटेशन को स्पष्ट करने के लिए ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया। एक लाइन ये लिखूंगा इंट्रोडक्शन, देखो मैं लिख कैसा रहा हूं पेपर में, आपको भी सेम टू सेम ऐसे लिख के आना। देखो सन कब की बात है, सन 1833 में, 1833 में किसने, टोलेन ने, ध्यान देना बेटे, टोलेन तथा टारनेट ने, टोलेन तथा टारनेट ने, ठीक है, टारनेट ने किसके, ग्लूकोज के, ध्यान देना लाइन पे, ग्लूकोज के म्यूटा रोटेशन, ध्यान देना म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, करने के लिए, ठीक है, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया, का प्रतिपादन किया। बड़ा जरूरी टॉपिक है, ठीक है। सन 1833 में टोलेन तथा टारनेट ने ग्लूकोज की, किसकी, ग्लूकोज के म्यूटा रोटेशन को स्पष्ट करने के लिए ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, आप डाल सकते हो हेडिंग रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो घबराओ मत, इजी टॉपिक है, इतना हार्ड भी टॉपिक ना यार, अरे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्यों डर रोबे बदम है ना। चलो साहब देखते हैं, सन 1833 में टोलेन तथा टारनेट ने ग्लूकोज के म्यूटा रोटेशन को स्पष्ट करने के लिए ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया। ओके ठीक है, देखो जरा फिर, ग्लूकोज के एल्डिहाइड समूह, ध्यान देना अभी बनाऊंगा, समझना समझ में आ जाएगा, ग्लूकोज के एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज के एल्डिहाइड, ग्लूकोज के एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन एटम, के कार्बन एटम तथा ग्लूकोज के एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन एटम तथा तथा C5 कार्बन एटम, C5 एटम के बीच, C5 एटम के बीच ऑक्साइड रिंग बनती है, के बीच क्या बनती है बेटे, ऑक्साइड रिंग बनती है, ऑक्साइड रिंग बनती है, जिसके कारण, ध्यान देना, जिसके कारण एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन एटम एसिमेट्रिक हो जाता, ध्यान देना एसिमेट्रिक, ठीक है, हो जाता है,
हो जाता है, तथा ग्लूकोज दो रूपों, तथा ग्लूकोज दो रूपों, कौन कौन से? ग्लूकोज दो रूपों अल्फा तथा बीटा रूपों में पाया जाता है। रूपों में ग्लूकोज अल्फा तथा बीटा, दो रूपों में, क्या होता है बेटे? पाया जाता है, ठीक है, ध्यान देना। चलो समझते हैं इसको, समझते हैं भाई इस चीज़ से, ध्यान देना लाइन पे जरा। ओके सर, तो मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ और ये है मेरे पास एच, ठीक है। ऐसे बेटे सिंगल बॉन्ड सी ओ एच और फिर मेरे पास एच, ठीक है। तीसरे कार्बन पे एच इधर होता है और ओ एच मेरे पास इधर होता है। चौथे कार्बन पे ओ एच इधर और ये वाला एच इधर। पांचवें कार्बन पे ओ एच इधर और ये वाला एच इधर, ठीक है। और छठे कार्बन पे मेरे पास सी एच टू ओ एच ये होगा, है ना। अब क्या होगा, ये एल्डिहाइड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटे? ये एल्डिहाइड फॉर्म है। और एल्डिहाइड फॉर्म में जो इनका स्पेसिफिक रोटेशन होता है, यानी कि विशिष्ट घूर्णन होता है, यानी कि डी ग्लूकोज का, ये एल्डिहाइड फॉर्म है। डी ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म है बेटे? ये एल्डिहाइड फॉर्म है। तो ये अल्फा डी जो है, यानी कि विशिष्ट घूर्णन जो है, वो होता है इसका 52.50 डिग्री, 52.50 डिग्री, ये विशिष्ट घूर्णन है। अब क्या मैंने क्या बोला, टोलन और टारनेट ने ग्लूकोज के म्यूटा रोटेशन को स्पष्ट करने के लिए ग्लूकोज की चक्रीय संरचनाओं का प्रतिपादन करा। मैंने बोला कि एल्डिहाइड समूह के कार्बन एटम, दिस वन इज एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड समूह के कार्बन एटम और सी फाइव कौन कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सी फाइव कार्बन एटम के बीच, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन एटम और सी फाइव कार्बन एटम के बीच ऑक्साइड रिंग बनती है, यानी कि यहां पर क्या होती है, रिएक्शन होती है। यहां पर क्या होती है बेटे? रिएक्शन होती है। अब होती कैसे है वो भी मैं बता दूं आपको। दिस वन इज सिंबल ऑफ रिवर्सिबल, ठीक है। देखो जरा ये वाला एच मैं बता दूंगा ऊपर को कुछ इस टाइप से, एच सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड कितना गया मेरे पास, ओ एच आ गया। आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे पास सी, फिर मेरे पास ओ एच आ गया। बाकी नीचे वाला सेम ऐसे रहेगा, कोई बदलाव नहीं करना है आपको। तीसरे पे ओ एच इधर ही लेना है, कोई बदलाव नहीं रहेगा। ओ एच इधर लेना है, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही मेरे पास सी फाइव कार्बन एटम आता है, तुरंत हमें हाथ रोक देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से देखो। और यहाँ पर मुझे एक ऑक्साइड रिंग बना देनी है, इसी का नाम है अल्फा ग्लूकोज। क्या नाम है बेटे इसका? अल्फा ग्लूकोज। और इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है अल्फा डी, भैया कितना होता है सर? वो होता है 110 डिग्री। आप 112 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 110 डिग्री, यानी कि अल्फा ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 110 डिग्री होता है। 112 भी लिखवा था बहुत सारी बुकों में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगर मैं बीटा ग्लूकोज बनाऊं, तो बीटा ग्लूकोज बनाने के लिए आपको थोड़ी सी इतनी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये वाला ओ एच इधर और ये वाला एच हमारा इधर आ जाएगा, और बनके हमारे पास क्या हो गया, तैयार हो गए ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो कुछ इस टाइप से, बस ये वाला ओ एच इधर आ जाएगा मेरे पास और ये वाला एच इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास ऐसे रहेगा सी, ये मेरे पास ऐसे रहेगा एच, मेरे पास क्या बेटे, ओ एच एच, ठीक है। बाकी ये ऐसे रहेगा, बाकी हमें कुछ चेंज नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से अपने आप जैसे हम लिख रहे हैं वैसे के वैसे चलता रहना। एच और ये आ गया मेरे पास ओ एच, इसे कार्बन पे ओ एच, फिर मेरे पास एच, फिर मेरे पास सी आ जाएगा, इधर मेरे पास एच आगा, इधर मेरे पास क्या आगा बेटे, ओ एच आगा। 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें कार्बन पे मेरे पास अटैक होगा, अटैक मतलब ऑक्साइड रिंग बनेगी। क्या बनेगी? ऑक्साइड रिंग बनेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गई है, ऑक्साइड रिंग बन के तैयार हो गई है, ठीक है। तो ये है मेरे पास बीटा ग्लूकोज। क्या बेटा ये बीटा, ये है बीटा ग्लूकोज, याद कर लो ठीक से। क्या बनाया मैंने? बीटा ग्लूकोज। और इसका स्पेसिफिक रोटेशन, यानी कि विशिष्ट घूर्णन होता है या म्यूटा रोटेशन होता है इसका 19.7 डिग्री, 19.7 डिग्री। तो ये क्या बनाया मैंने? ये बनाया है ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। किसने दी है? टोलन द टारनेट ने। मैंने क्या बोला कि ग्लूकोज के एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन एटम और कार्बन एटम तथा सी फाइव कार्बन एटम के बीच क्या बनती है? ऑक्साइड रिंग बनती है। ऑक्साइड, इस वाले ऑक्सीजन को आप यहाँ भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्साइड क्या होती है? रिंग बनती है, जिसके कारण तुम्हारे पास जो ये कार्बन एटम होता है ना, एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन एटम, ये तुम्हारे पास कैसा हो जाता है बेटे? एसिमेट्री हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये असममित हो जाता है। असममित मतलब जिसके साथ चार सिंगल बॉन्ड होते हैं वो असममित होता है। अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम तो वो सममित होता है। अगर डबल बॉन्ड के साथ कार्बन एटम अटैच है तो वो असममित होता है, वो सममित होता है तुम्हारा। और अगर ऐसा कार्बन जिसके साथ चार सिंगल बॉन्ड है,
वो क्या होता है हमारे पास, एसिमेट्रिक यानी कि असममित होता। ठीक है, चलो सब आगे देखते हैं चीज को। अब यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं, इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूं आपको ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना। जल्दी करो, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, पक्का? ठीक है साहब, उतारते रहना हाथों हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में इजी टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है, आराम से कवर कर लोगे यार। क्या है इस टॉपिक में? कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए साहब डालते हैं हेडिंग आप, ग्लूकोज की पाइरेनोज स्ट्रक्चर, पाइरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, पाइरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इजी टॉपिक है, इतना हार्ड ना। जिसने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ली तो वो ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना ये बना लेगा। ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान देना, हॉवर्थ ने, ठीक है, ग्लूकोज की पाइरेनोज स्ट्रक्चरों का यानी कि स्ट्रक्चर का प्रतिपादन करा सन 1926 में। याद कर लेना, सन 1926 में हॉवर्थ ने ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचनाओं का प्रतिपादन किया। ठीक है, और हॉवर्थ जिन्हें हम बोलते हैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिन्हें हम हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, और इनके अनुसार ग्लूकोज में पाइरोन के समान 6 मेंबर यानी कि 6 मेंबर क्या होती है, पाइरोन के समान 6 मेंबर रिंग होती है। ठीक है, चलो मैं एक लाइन लिखवा दूं, सन 1926 में, क्योंकि लिख के जल्दी समझ में आएगा आपके। एक तो तुम्हारे नोट्स भी बन रहे हैं, सन 1926 में किसने बेटे, हॉवर्थ ने, ध्यान देना हॉवर्थ ने। ठीक है, सन 1926 में हॉवर्थ ने ग्लूकोज की, किसकी, ग्लूकोज की पाइरेनोज, ध्यान देना बेटे, ग्लूकोज की पाइरेनोज। ठीक है साहब, पाइरेनोज स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया, का प्रतिपादन, ठीक है सर, प्रतिपादन किया किसने, हॉवर्थ ने। सन 1926 में हॉवर्थ ने ग्लूकोज की पाइरेनोज स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हॉवर्थ, ध्यान देना, जिन्हें हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, जिन्हें हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, या प्रक्षेपण हिंदी में कहते हैं, हॉवर्थ प्रक्षेपण सूत्र, प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ओके, अबे ओके तो बोल दिया करो। सन 1926 में हॉवर्थ ने ग्लूकोज की पाइरेनोज स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया, जिन्हें हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, हॉवर्थ के अनुसार, क्योंकि भैया एक बड़े साइंटिस्ट हैं काफी, ठीक है, हॉवर्थ के अनुसार ग्लूकोज में, ध्यान देना बेटे, हॉवर्थ के अनुसार ग्लूकोज ग्लूकोज में पाइरोन के समान, पाइरोन के समान 6 मेंबर, ध्यान देना, 6 मेंबर, मेंबर क्या होती है, रिंग होती है, 6 मेंबर रिंग होती है। ओके, अरे ओके तो बोल दिया करो। हावर्थ के यानी कि हावर्थ के ग्लूकोज यानी के फॉर्मूला कहते हैं, हावर्थ ने ग्लूकोज में, हावर्थ के अनुसार, लाइन रह गई है, हावर्थ के अनुसार, ठीक है, ग्लूकोज में पाइरोन के समान 6 मेंबर रिंग होती है, अतः ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचनाएं, ग्लूकोज की पाइरेनोज, ठीक है, ग्लूकोज की पाइरेनोज स्ट्रक्चर निम्नलिखित है। चलो साहब बना दो, पहले मैं बनाऊंगा पहले अल्फा की, तो बनाना बीटा की, चलो बना दो फिर। ए ये लो, ये आ गया मेरे पास ऑक्सीजन, ठीक है, ध्यान देना बेटे, एक मैं बनवाऊंगा तो एक तुम खुद बनाओगे अपने आप, पक्का सोच लो, बना दोगे? चलो देखते हैं फिर। अब ये याद करने के बस की बात नहीं है, कभी याद करके सोचो कि याद करके लिखूंगा। सबसे पहले ना आप वो बनाओ, क्या बोलते हैं उसको, अल्फा ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, अगर वो आपने बना ली तो आप समझ लो सीख गए। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से क्या होता है, ये होता है, यानी कि ये पाइरोन संरचनाएं बनती हैं, एच मेरे पास, फिर मेरे पास ऑक्सीजन, और ये 5वें ऑक्सीजन के बीच में ये बनेगा, ये आ गया एच, और आ गया मेरे पास CH2OH। बस अगर ये बनाना सीख गए ना आप साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो पाइरेनोज संरचनाओं का धुआं निकाल दोगे, धुआं। तो मेरे पास ये देखो, ये वाला जो एच है ना वो आप ऊपर लिखना, ठीक है, ये वाला एच ऊपर आ जाएगा, और ये वाला OH हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर ये वाला एच ऊपर आ जाएगा, और ये वाला जो OH है वो नीचे आ जाएगा, फिर ये वाला OH तीसरे कार्बन पे, OH ऊपर आ जाएगा, H नीचे आ जाएगा, फिर ये वाला जो H है मेरे पास वो ऊपर आ जाएगा, और ये वाला OH नीचे आ जाएगा। अब ये वाला H कहाँ आएगा मेरे पास, नीचे आएगा,
और ये सी एच टू ओ एच क्या पहुंच गया मेरे पास, ऊपर पहुंच गया। इसका मतलब है पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, पांचवें कार्बन और पहले कार्बन, एल्डिहाइड समूह के फर्स्ट कार्बन एटम, एल्डिहाइड समूह के पहले कार्बन एटम और पांचवें कार्बन एटम के बीच में क्या बन रही है, ऑक्साइड रिंग बन रही है। क्या तुम्हारे पास ये अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज जब बन गया मेरे पास तो बीटा ग्लूकोज कौन कौन बना सकता है जरा मुझे बताओ भाई। जब अल्फा ग्लूकोज की पायरेन संरचना बन गई तो बीटा ग्लूकोज में कुछ नहीं करना होता है, ये वाला ओ एच ऊपर और ये वाला एच नीचे है, जब तक ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं आएंगे तब तक ये वाला ग्लूकोज नहीं बनने वाला। चलो साहब मैं एक और बना देता हूँ कुछ इस टाइप से, ये ठीक है पढ़ेगा बनाना आप। अरे मिल जाए यार, ये मिल गई, लो ये और फिर ये और फिर ये, बस कुछ नहीं करना, ये वाला ओएच ऊपर कर दो और ये वाला अच्छा कर दो बेटा, आप नीचे कर दो, बाकी सब ऐसे रहेगा, बाकी कोई बदलाव नहीं करेंगे, बाकी हमारा कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है कभी सोचो कि मैं बदलाव कर दूँ, कुछ कोई बदलाव नहीं होने वाला। ओ एच एच सी एच टू ओ एच, ये क्या है मेरे पास बीटा ग्लूकोज है, ये क्या बेटा, ये है मेरे पास बीटा ग्लूकोज। ठीक है तो ग्लूकोज की साइक्लिक यानी कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज क्या होता है, वो सब इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज को बनाने की विधियां और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स।